जिस लिए फेमस है उसका कुछ फ़ोटो और स्क्रीन शॉट यहाँ पर कुछ रखा है, उसको पहले आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा। ये एक नंबर है, ये दो नंबर है, ये आपका रावण देख रहा है। एक्चुअली यहाँ पर श्रीलंका का जो रावण था यहाँ से ही आपको राम वहाँ पर जाकर श्री राम को आपका रावण को वाला बहुत किया था। इस तरह बहुत सारा यहाँ पर पिक्चर दिखे रखा उधर जो आपका राम रिलेटेड आपको यहाँ पर दिखाएगा। ये जी आपका रावण आपका जो छद्मवेश में आया था वो सीता का पास में, उसका वो वाला पिक्चर है। और यहाँ पर जटाई जटाई का ऊपर सीता को हरण करके जो लेके जा रहा है उसका ये वाला पिक्चर है। आप लोग रामायण देखा था उसका समझ जाएंगे। ये वाला देख सकते सीता के हरण करके आपको रावण लेके जा रहा है लंका, जो आपको सात समुद्र पार करके। और यहाँ आपको सीता के बंदी बना के रखा था रावण। Tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me, but they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things, and they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off, wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do, and when you're making money, make sure you don't spend it too soon. Fuck that, I'll do what I wanna do. I got a different path from everyone and that includes you. Who are you to tell me how to live life? In these times it feels like nobody's right, yeah. So I'ma figure out what else we succeed, and then invest all of my time into that and proceed. I need whatever the hell could make me happy, and I don't think you have a clue what could that be. They tell me that I'm never gonna make it, they want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. They tell me that I'm never gonna make it, they want me to do something that can make sense. धनुषकोडी से आपका 4 किलोमीटर और भी आगे एकदम लास्ट पॉइंट जहाँ पर आप राम सेतु बोल सकते, वो आपका आगे राम सेतु है, वहाँ पर मैं आ गया। और काफ़ी अच्छा लग रहा है, यहाँ पर बहुत सारा टूरिस्ट आया घूमने के लिए यह राम सेतु में। आपको धीरे धीरे आगे दिखाता हूँ, उधर एकदम स्ट्रेट में जाएंगे तो श्रीलंका मिलेगा। काफ़ी टूरिस्ट आया आज। एक्चुअली यहाँ पर बस सर्विस अवेलेबल है, यही सुविधा है। आपका रामेश्वरम टेम्पल से डायरेक्ट धनुषकोटी, और एकदम धनुषकोटी से 4 किलोमीटर दूर में यहाँ पर बस सर्विस अवेलेबल है, तो आप आराम से आ सकते हैं। आपका किराया जितना भाड़ा लगे ओनली फॉर 30 रुपीज़ आपका बस में लगेगा। चलो आगे चलो, देखता हूँ। यहाँ पर सबसे दिक्कत है बालू उड़ रहा है, काफी सारा बालू उड़ रहा है। यही आपका इंडिया का लास्ट पॉइंट,
जो तमिलनाडु का धनुषकोडी से और भी 5 किलोमीटर दूर है। यहाँ पर अशोक स्तंभ है और इस तरह का आपको यहाँ पर बेदी करके रखा फुल्ले। शायद एटा द्वीप होगा कोई इंडियन का अंदर ही पड़ता वो द्वीप शायद। और इधर यही है एकदम जो आप लोग इंटरनेट में देखता है फुल्ली एकदम लास्ट पॉइंट यहीं तक देखा था और अभी मैं वहाँ ही विजिट किया। काफ़ी अच्छा लग रहा है फुल्ली। ये आपका सनराइज एंड सनसेट दोनों ही आपको यहाँ पर देखने मिलेगा। ठीक है थोड़ा घूम लेता हूँ उसके बाद निकलता हूँ यहाँ से और कुछ नहीं जस्ट यहाँ विजिटिंग। बस यही है राम सेतु जिसको सब जानता है जो रामायण में देखा है जो हनुमान जी यहाँ से ही आप लंका तक गया था श्रीलंका में जो एक एक करके पत्थर इकट्ठा करके वो सेतु बनाया था। इधर से ही वो वाला सेतु है ऐसे करके बनाया था। ये वाला प्लेस काफ़ी अच्छा है बहुत सारा टूरिस्ट आते हैं एकदम तमिलनाडु का जो स्टेट है इंडिया का वो एकदम लास्ट ये बीचों बीच मिनिमम ये दो साइड में आपका सी मिलेगा और मिनिमम 25 किलोमीटर रामेश्वरम से 25 से 30 किलोमीटर होगा। वहाँ पर इंटरनेट में 30 किलोमीटर दिखा रहा है आगे तक आया। काफ़ी अच्छा है वाला वीडियो ठीक है तो वीडियो यहाँ पर ही ख़त्म करता हूँ। आगे वाला वीडियो और आने वाला अच्छा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिए लाइक कीजिए कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक टाटा बाय बाय।